प्रदेश हलचल आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जावद विधानसभा में जो राजनीति गरमाई हुई है उस माहौल में हम पहुंचे हैं। सरवानिया मसानी गांव ऐसा गांव जो लगभग राजस्थान से सटा हुआ है। यहां के जो लोग हैं वो वर्तमान सत्ताधारी पार्टी से काफ़ी नाराज़ हैं। यहां की मूलभूत सुविधाएं जो है और विशेष करके डैम का जो मुद्दा यथावत बना हुआ है। अभी अब हम देख रहे हैं कि इस बार विधानसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी समुंदर जी पटेल यहाँ दौरे के लिए पहुँचे और किस तरीके से इनका भव्य स्वागत किया जा रहा है। हम इनसे बात करेंगे स्थानीय मुद्दों पर। सर बताइए, आप इस बार जो निर्दलीय चुनाव आपको चुनाव चिन्ह कौन सा है? चुनाव चिन्ह मेरा ट्रैक्टर चला था किसान। इस बार आप गांव में जनसंपर्क के लिए जा रहे हैं, लगभग जनसंपर्क करा है, किस प्रकार का माहौल देखने को मिल रहा है? मैं लगातार सिंगोली के आखिरी कोने से मैंने जो लास्ट गांव जो पड़ता है अपना फुसरिया जी सॉरी लालगंज माला देवी के साथ मैंने वहाँ पूजा करने के बाद जनसंपर्क शुरू किया था 15 तारीख से। लगातार मैं उसके बाद रोज़ 40 से 45 गाँव का जनसंपर्क कर रहा हूँ और जिस तरह से मुझे आशीर्वाद और एक लोगों में एक उत्साह जो मिल रहा है वो निश्चित परिवर्तन का तौर पे देखा जा रहा है। क्योंकि जितना आशीर्वाद और मुझे जन समर्थन प्राप्त हो रहा है निश्चित वो एक ऐसा संकेत दे रहा है कि जावद की जनता एक नया इतिहास लिखने के मूड में है। हाँ, लगभग ऐसे कई गांव है जहाँ पर सत्ताधारी नेता 15 साल से नहीं पहुँच पाए, उन गाँव में आपका दौरा हुआ हमने देखा है, तो क्या हालात रहे वहाँ के लोगों का, क्या कहना है? वहाँ ये लोग कह रहे हैं कि चुनाव के टाइम यहाँ पर विधायक जी आते हैं उसके बाद 5 साल तक नहीं आते। कई गांव तो ऐसे गए जहाँ उनको वास्तव में 10 साल भी हो गए, 10 साल तक नहीं पहुंच पाए हैं। वो उन गांव में गया है और गांव में बहुत वहां की हालत देनी है। आज वहां का किसान, युवा, मजदूर भाई बहुत परेशान है। पूरे क्षेत्र की स्थिति यही है करीब करीब। आप यहाँ जैसे आज अपन सरवानिया मसानी की बात कर लें, आज यहाँ वर्षों से, आज से कम ये 30-35 साल से यहाँ के किसान जो लगातार इस मांग को उठा रहे हैं कि यहाँ का तालाब का अगर उसका घेरीकरण या उसकी पानी की क्षमता अगर बढ़ जाए तो आज यहाँ से लगा के सरवानिया मसानी नागदा तथा इसके आसपास लगे हुए जितने हैं 4-5 गांव कि आज किसान खुशहाल हो जाए और आबाद हो जाए। तो चुनाव जीतने के बाद जैसे 15 साल से यहाँ के लोग बता रहे हैं कि यहाँ का समस्या तालाब का मुद्दा से चुनावी मुद्दा बन के रह गया है, कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ है, तो क्या चुनाव जीतने के बाद पहला मुद्दा आपका इस गाँव के लिए क्या रहेगा? मेरी इस गाँव के लिए अगर चुनाव जीतने के बाद आप सबका आशीर्वाद से चुनाव जीता तो इस गाँव के लिए, इस क्षेत्र के लिए मेरी पहली प्राथमिकता बोरखेड़ी तालाब का उसको पानी की क्षमता उसकी बढ़ाना तथा वहाँ जो किसानों के डूब में आने वाली ज़मीन को उनको उचित मुआवजा दिलवाना। मुझे बताइए काका, आप इस गांव के रहवासी हैं, काफ़ी सालों से आ रहे थे, 15 साल से बात है भाजपा की सत्ता काबिज है, जो चुनावी वादे जो किए जाते हैं क्या वो हर बार पुराने वादे पूरे करके सरकार नए वादे कर रही है, क्या स्थिति है? नए वादे करी वो पूरे नहीं कर रही है। नहीं तो वादे जो किए हैं वो पूरे हुए क्या? नहीं हुए अभी। युवाओं को रोजगार देने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बात कर रहे हैं, तो क्या आपके गांव को कितनों को रोजगार मिला? बिल्कुल एक बच्चे को भी रोजगार नहीं मिला। पास ही जो फैक्ट्री बंद पड़ी है क्या उसको सत्ता चालू करवाने में सफल हो पाई, क्या स्थिति बनी उसमें? अगर चालू हो जाती तो कम से कम 1000-1500 आदमी को रोजगार मिलता, परंतु नहीं करवाई चालू। वर्तमान शासनकाल से आप कैसे खुश है, क्या हालात है? वर्तमान शासन से हम बिल्कुल खुश नहीं है। जो भी वादा किया वो घिसे पिटे वादे चलते आ रहे 15 साल से, एक भी नया वादा ना करके पूरा किया। किसानों की जो बात करते हैं तो किसानों को जो भावांतर योजना दी जा रही है, क्या किसान क्या चाहता है, किसान उसकी मंशा क्या है? किसान की मंशा है कि भावांतर के बजाय किसान को भाव मिल जाए तो वो सबसे बढ़िया बात है। तो क्या लगता है आपको का सरकार जो वादे कर रही है इस बार, तो क्या फिर जनता उनके लुभावने वादों में आएगी? सरकार ने जो योजनाएं चलाई हैं वास्तविकता में उनका लाभ मिला है? स्थानीय उम्मीदवार आपके बीच आया है, क्या हालात रहे हैं? मेरे हिसाब से तो जो भी वादे किए न तो पूरा है, न इस सरकार को वापस आने की उम्मीद है। जैसा कि आपने देखा चलेगा हमारा और किसी से कोई मतलब नहीं है जी, जो भी होगा जो होगा हमारा तो पटेल साहब को जिताना है, हमारा यही लक्ष्य है। जैसा कि आपने देखा यहाँ पर कुल मिला के लोगों का रुझान ट्रैक्टर चलाने की तरफ है, किसान का जो हथियार होता है ट्रैक्टर होता है और यहाँ लोग वर्तमान सत्ता से काफ़ी नाराज है। किसानों का कहना है उन्हें भावांतर नहीं, उन्हें भाव चाहिए। कुल मिला के देखना होगा आगामी विधानसभा चुनाव के रिजल्ट क्या आते हैं और जावद विधानसभा पर कौन काबिज होता है। तब तक देखते रहिए प्रदेश हलचल, में हूँ महेश जैन।